नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप ऐसे महान रेसर की कहानी सुनना चाहेंगे जो दौड़ते समय, दौड़ने की प्रैक्टिस करते समय अपनी स्पीड नापने के लिए ट्रेन के साथ दौड़ा करता था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख का खिताब मिला जिनको, स्वर्गीय मिल्खा सिंह की। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का जन्म विभाजन के पूर्व के पश्चिम पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में फैसलाबाद कहलाती है। विभाजन के बाद का खौफनाक नरसंहार मिल्खा सिंह की बचपन की सबसे बुरी यादों में से था। वे बताते थे कि मेरे सामने हजारों लाशें पड़ी हुई थी, जानवर मेरे माता पिता रिश्तेदारों की लाशें नोच रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए वो शरणार्थियों को लेके जाने वाली एक ट्रेन में महिला डिब्बे की सीट के नीचे छिपकर भारत गए। पैसे नहीं होने के कारण एक बार वह दिल्ली में बिना टिकट सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और तिहाड़ जेल भेज दिया। उन दिनों को याद करते हुए मिल्खा जी बताते हैं कि जेल में मैंने निश्चय किया कि भूखो मरने से तो अच्छा है कि मैं डाकू बन जाऊं। किसी भी तरह उनकी बहन ने, जो दिल्ली में रहती थी, उनकी जमानत कराई और एक रिश्तेदार के कहने पर भारतीय सेना में शामिल होने के लिए वे चले गए। परंतु भाग्य ने भी वहां उनका साथ दिया नहीं, तीन बार असफल हो गए। आखिरकार वे सेना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में भर्ती हुए, जहां से उनके खिलाड़ी जीवन की शुरुआत हुई। सेना में डेली दौड़ लगानी पड़ती थी। पहले ही दिन बिना किसी खास ट्रेनिंग के मिल्खा सिंह जी करीब 400 या 500 लोगों के साथ में दौड़ लगाते हुए छठे स्थान पर रहे। वे बताते हैं कि ये उनके पुराने अनुभवों की वजह से हुआ, क्योंकि उनका स्कूल घर से 7 मील दूर था और वे वहां पर रोजाना दौड़ लगाकर जाते थे। सेना में दौड़ लगाने पर एक अतिरिक्त गिलास दूध का मिलता था, जिसकी वजह से वे हर रोज यह करते थे। धीरे धीरे मिल्खा सिंह जी रोज के 5 घंटे प्रैक्टिस करने लगे। अपने कोच हवलदार गुरुदेव सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति दौड़ने के काम में लगा दी। वे पहाड़ों पर चढ़ते समय दौड़कर चढ़ाई करते, यमुना नदी के किनारे पर दौड़ लगाकर और कई बार ट्रेन की रफ्तार के साथ मुकाबला करते। कड़े अभ्यास के कारण कई बार उन्हें खून की उल्टियां तक हो जाती। 1955 में सर्विसेज एथलेटिक मीट में उन्होंने पहली बार 200 और 400 मीटर दौड़ में अपना टैलेंट दिखाया और इसके एक साल के बाद 1956 में पटियाला में नेशनल लेवल पर अपना प्रदर्शन दिखाकर वे चर्चा में आ गए। 1958 से 60 के दौरान उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया और कई स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी थे। इसके बाद लाहौर में भारत पाक मीट थी, परंतु मिल्खा सिंह पुरानी दर्दनाक यादों के कारण वहां नहीं जाना चाह रहे थे। ऐसे में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि अगर वे पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे भारत का बहुत फायदा होगा। तब वे करने के लिए तैयार हुए। वहां पर उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर तत्कालीन जनरल अयूब खान जी ने उनको बोला, मिल्खा सिंह जी, आज आप दौड़े नहीं, उड़े हो, और उनको उड़न सिख, फ्लाइंग सिख का खिताब मिला। मिल्खा सिंह के पारिवारिक जीवन में उनकी शादी वॉलीबॉल टीम की कैप्टन निर्मल कौर से हुई। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद सेना ने मिल्खा सिंह को पंजाब के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया। अपने जीवन के यादगार खेलों के बारे में बताते हुए मिल्खा सिंह जी ने बताया था कि 1960 का रोम ओलंपिक उनके लिए सबसे बड़ा असफलता भरा यादगार खेल था। 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने 40 सालों के रिकॉर्ड को तो तोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे पदक पाने से वंचित रह गए और उन्हें 4th स्थान मिला। इस असफलता से वे इतने नर्वस हो गए थे कि उन्होंने खेल जगत से संन्यास लेने का मन बना लिया। बाद में सीनियर एथलीट्स के समझाने पर उन्होंने वापसी की। वे उस अनुभव को याद करते हुए बताते हैं कि मैं उस खेल के शुरुआत में बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ा था। पता नहीं क्यों मैंने अपने कंधे थोड़े झुका लिए, जिससे मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, जिसका मलाल उनको जीवन भर रहा। भारत के इस महान एथलीट मिल्खा सिंह के ऊपर एक इंस्पिरेशनल मूवी भी बनाई गई है, जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। 2014 में इसको बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड भी मिला।
मई 2021 में मिल्खा सिंह जी कोविड-19 की बीमारी से संक्रमित हो गए और 18 जून 2021 को भारत के इस महान एथलीट ने आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित व कई गोल्ड मेडल से पुरस्कृत भारत के गौरव मिल्खा सिंह की जीवन की यह इंस्पिरेशनल कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए यूजफुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।